नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, यह एक छोटी सी कहानी, अगर आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखते हैं तो यकीनन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। दोस्तों एक बार की बात है, एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी था, बहुत ही ज़्यादा देर तक सोता था और उसकी इस आदत से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। खास तौर पर उसके पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जब भी वे सोचते थे कि हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और उसकी इस आदत से वह कहाँ तक पहुँच पाएगा, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। उन्होंने उसे बहुत डांटा, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तब पिताजी ने सोचा कि मुझे इसकी आदत चेंज करवानी ही पड़ेगी। तभी एक दिन की बात है, वह लड़का अपने पिताजी को देखता है कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और खुश रहने की क्या वजह थी, वह लड़के ने जब अपने पिताजी से जानने की कोशिश की कि पिताजी आज आप इतने खुश नज़र आ रहे हैं, क्या बात है? तो पिताजी कहते हैं कि कुछ मत पूछो बेटा, आज सुबह जैसे ही मैंने सूर्य भगवान को उगते हुए देखा, यकीन मानो उस खूबसूरत नज़ारे से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो खूबसूरत नज़ारा जब मैंने देखा तो मेरा दिल खुश हो गया और आज मैं खुशी से बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ। मैंने देखा कि सूर्य भगवान जब निकल रहे हैं तो वो किरणें जब गगनचुंबी इमारतों पर पड़ती है, वो सुनहरी पीली कलर की किरणें जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आती हैं। यकीन मानो जैसे सूर्य भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हों। और यह सूर्य की किरण, उगता हुआ सूर्य देखने से मेरा जीवन किस प्रकार से आनंदित हो जाएगा, यह बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आज जब मैंने देखा और मैं ये चाहता हूँ कि यह क्षण मेरे जीवन में हमेशा बना रहे और मैं हर रोज उनके उगते हुए दर्शन करूँगा। और जब यह बात उस लड़के के दिमाग में पड़ी तो उसने भी सोचा कि यार अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी कोशिश करूँ। और वो अगले ही दिन से सुबह उठने की कोशिश करता था, लेकिन सूर्य भगवान निकल आते थे और वह काफ़ी पछताता था कि यार आज मैं लेट हो गया, फिर से लेट हो गया। कई दिनों तक उसने कोशिशें की लेकिन वह सूर्य उगने के बाद ही उठ पाता था, क्योंकि उसकी वो आदत में आ चुका था देर तक सोना। लेकिन एक दिन की बात है, सूर्य भगवान जैसे ही निकले उसके कुछ मिनट बाद ही वह उठा और वह फिर से निराश हो गया। उसने बोला कि आज भी मैं उगते हुए सूर्य का दर्शन करने से चूक गया, कल मैं सूर्य भगवान के निकलने के पहले ही मैं उठ जाऊंगा। और ठीक वैसे ही नियमानुसार वह रात को जल्दी सोता है और उस सुबह जिस सुबह वो उठने वाला था वह सवेरे सूर्य भगवान के निकलने के पहले ही उठ जाता है और इंतज़ार करने लगता है सूर्य भगवान के उगने का। और जब वह देखता है सूर्य की वो किरण कि सूर्य धीरे 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 प्रकाश ला रहा है, सूर्य की वो किरणें हर जगह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं, सुनहरे कलर की, केसरिया कलर का, वो गगनचुंबी जितना भी आसमान है खिलखिला रहा है, वो नज़ारा देखकर वो भी खुश हो गया और उसने भी निर्णय लिया कि मैं हर सवेरे सूर्य भगवान का दर्शन ज़रूर करूँगा। उस दिन वह बहुत ही खुश रहा और खुश रहने के साथ साथ अब उसका जो समय बचा उसने सोचा अब मैं क्या करूँ, वह पढ़ाई करने लगा, सोचा मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, पिताजी के काम में हाथ बटाने लगा, गाय जो पशु थे उसके घर में उसके लिए चारा उसने बनाने लगा। तो यकीन मानिए कुछ ही महीनों में उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सोचिए एक छोटी सी कोशिश उसके पूरे जीवन को बदल गई। दोस्तों इस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें जीवन में यही सीख मिलती है कि हम सभी को एक छोटी सी कोशिश कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे जीवन में, शायद हमें भी पता नहीं होता है। लेकिन हमेशा आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहिए, एक छोटी सी कोशिश आपके जीवन को बदल सकती है। यह एक छोटी सी कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को औरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी अपने जीवन को बदलने के लिए हमेशा प्रगतिशील रहें, हमेशा अच्छे विचार रखें और दूसरों तक जब यह कहानी जाती है तो यकीनन उनके भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक सोच इंसान के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजय गुप्ता सपना, शुक्रिया।